बिहार के चुनाव के पहले पार्टी ने वादा किया कि फ्री वैक्सीन देंगे, बंगाल वालों को नहीं मिलेगा क्या? नहीं, मेरी पार्टी ने बिहार सरकार के चुनाव में दिया है किया है वादा, यहाँ घोषणा पत्र आएगा, इनकी टीम तय करेगी। मतलब यहाँ भी चांस है फ्री वैक्सीन? मैंने ऐसा नहीं कहा भैया, तुम मेरे मुंह में चीजें मत डालो, यहाँ की टीम तय करेगी ऐसा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उस वक्त हंगामा भी हो गया उस यात्रा के दौरान, और आपके प्रदेश अध्यक्ष को तो एक अनुमति के पहले ये तक कहना पड़ा, अनुमति मिल गई तो चंगा, नहीं तो होगा पंगा। लोकतंत्र में ऐसा क्यों? नहीं, उनसे अनुमति देने का काम ममता बनर्जी जी ने करना है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम उनका है। आपका सवाल तो बहुत सही है मगर एड्रेस गलत है। आज जब वो आई तो हमने उनसे पूछा जय श्री राम के नारे से चिढ़ी क्यों, तो उनका कहना था कि मैं जय श्री राम के नारे से नहीं चिढ़ी थी, मैं भी जय सिया राम बोलती हूँ, लेकिन वहां एक राजनेता के नाम के नारे लग रहे थे, मेरा गुस्सा उससे था, बीजेपी ने उसको ये कह के प्रचारित कर दिया कि जय श्री राम के नारे से ममता दी। ममता दी के अलावे किसी ने नहीं सुना, आपकी चैनल ने भी यही कहा कि जय श्री राम के नारे से चिढ़ी है। हो सकता है हम गलत बोले, आप तो न्यूट्रल चैनल माने जाते हो। माने क्यों जाते हैं? नहीं, मैं क्यों इतना अभी सर्टिफिकेट देने में देरी है, मगर माने तो जाते हैं। बंगाल को लेकर CAA का मामला हमेशा से तूल पकड़ता रहा, तनाव उसमें बढ़ता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं होने देंगे, और आपने आज एक बार भाई अब उनको करना भी नहीं है, हमें करना है बाद में, अप्रैल के बाद उनको नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ। सरकार बदल जाएगी, अब उनको कहाँ करना है। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे, ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूँ सरकार को भैया, यहाँ मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक। लोकतंत्र में लोगों की आस्था कमजोर नहीं होती जब राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये कह के आरोप लगाती हैं कि भाई चुनाव में जो है गड़बड़ हुआ है, वोटों की गिनती तो दोबारा होनी चाहिए, ईवीएम पर तो हमें भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जब हम जीतते कहते हैं ईवीएम में गपला हो गया है, ओपोजिशन भी कहता है, मगर जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं, फिर तो नहीं लेनी चाहिए। राजस्थान सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, गड़बड़ वाला चुनाव कैसे शपथ करते हो भैया? आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति आती है बंगाल में या आ गई है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन की नौबत है? देखिए, इस ये जो आप सवाल पूछते हो इसके जवाब इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं दे भी नहीं सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप भी कह ही रहे हैं लगातार कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ऐसा कहाँ कहा लॉ एंड ऑर्डर, आप तो 356 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात नहीं। मैं बतौर गृह मंत्री आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बतौर बीजेपी के स्टार कैंपेनर जो आज यहाँ पर दो व्यक्ति है ही नहीं, अमित शाह एक ही होता है, गृह मंत्री नाते और बीजेपी लीडर नाते, मैं जो मैंने संविधान की शपथ ली है इसको नहीं तोड़ सकता। तो आपने बाकी लोगों को ये छोड़ रखा है कहने के लिए कि तुम बोलते रहो राष्ट्रपति शासन, मैं नहीं बोलूंगा? नहीं, मुझे बोलना नहीं होता है, डालना होता है। किस तरफ से कार्यकर्ता तो आपके भी मारे जा रहे, कार्यकर्ता उनके भी मारे जा रहे। उनके कितने मारे गए? आपने लिस्ट किया है ना, आप अपने मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता, सुनो ना भैया, मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए, जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करे। वो तो कहती है अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता, बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। वो आप डराती हो तब, उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे, ऐसे बचेंगे नहीं वो। बात कर मेरे को जानता नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?